इधर घूम जाइए थोड़ा थोड़ा। धरने से आई है और वो रोड का जो चौड़ीकरण था उसके ऊपर ही ले मैडम आप कह रही हैं कि हम संगठन को मजबूत बनाएंगे, हमारे अंदर बहुत गाँव है तो मैं चाहता हूँ एक बार इनके घर पे आप लोग चलें और इनसे संगठन को जोड़ लें। भैया आ जाइए बाहर, आ जाओ। अच्छा आज मीटिंग हो रही है, आया था अभी थोड़े, वो किसी मीटिंग में वो भी चल रही है तो इसलिए कह रही थी बुलाना है, परसों तो बात हुई बड़े। मैडम जानना चाहेंगे आज आपका स्वागत हुआ है, किस तरीके का फील कर रहे हैं और क्या महिलाओं को संदेश देंगे? आप एक महिला हैं, आपने एक बड़ी जंग जीती है, क्या संदेश देंगे आप? देखिए स्वागत किया, ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ ये एक जनहित की समस्या थी और इसके लिए कोई बहन हमारी लड़ी थी। जानना चाहेंगे तो क्या समस्या को लेकर आप धरने पर बैठे थे थोड़ी? ये पीलीभीत बरेली जो हाईवे है इसमें रिठौरा के पास कलापुर गांव है, कलापुर गांव में के पास जो नहर है, कलापुर की नहर कहलाती है, उस पर एक बेहद सक्री पुलिया है, उस सक्री पुलिया के चौड़ीकरण के लिए हमने जिला प्रशासन से मांग करी थी। तो ये लड़ाई हमारी लगभग चिट्ठियों के द्वारा 2 महीने से चल रही थी, हस्ताक्षर अभियान भी इस पर चलाया था और उसके बाद 3 ज्ञापन दे चुके थे इस पर, और उसके बाद जो है हमने अल्टीमेटम डीएम को भी दिया था कि हम इस पर धरने पर बैठेंगे अगर 14 जनवरी तक इसकी सुनवाई नहीं होती और पुलिया के चौड़ीकरण का आश्वासन लिखित नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिला तो हमको धरने पर बैठना पड़ा और ये 11 दिन तक धरना चला। 11वें दिन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें लिखकर ये सौंपा कि हम ये पुलिया का चौड़ीकरण अप्रैल माह से आरंभ कर रहे हैं और पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य प्राथमिकता पर होगा, इसके अलावा पूरी रोड का भी चौड़ीकरण वो करेंगे और इसमें आने वाली तमाम पुलियाओं को सही करेंगे वो। आंटी के नाम है आपका? मेरा नाम विद्या देवी है, मैं याकूपुर से हूँ। अच्छा मैडम जी आज आपने स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे मैडम के लिए जो आपने सम्मान किया है, कैसा काम किया मैडम ने? मैडम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बार मैं भी बरेली जा रही थी, हमारी भी मोटरसाइकिल लुढ़क गई थी वहाँ पर, बहुत बच गए हम। हाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा काम हुआ क्या हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ, एक ही अकेली महिला एक धरने पर बैठी और उसने 15 दिन तक इतना अच्छा काम किया, आगे को हम भी इनके साथ हैं। 15 दिन 11 दिन में काम खत्म किया है मैम, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं चाहती हूँ कि आगे चल के भी आप हम लोगों का भी अपनी तरह मनोबल बढ़ाएं, हमें भी अपनी मतलब थोड़ा संस्था में जोड़ें और आपकी तरह हम भी थोड़ा कुछ करें समाज के हित के लिए।